हेलो स्टूडेंट्स, इन आर टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 11 चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माय चैनल्स प्लेलिस्ट। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नेम क्या है? परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मोस्टली स्टूडेंट्स पजल रहते हैं कि मैम कहाँ पर कौन सा मेथड लगाना है, कहाँ पर परमुटेशन यूज़ करना है, कहाँ कम्बिनेशन यूज़ करना है, कहाँ पर हमें प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज़ करना है। सो स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 7.1। सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। लेट्स डिस्कस इन डिटेल। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3-डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स? आपके पास 5 डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 डिजिट्स में से आपको 3 डिजिट्स को सिलेक्ट करना है और 3 डिजिट नंबर्स आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो 3 डिजिट नंबर, आप कितने 3 डिजिट नंबर्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ दीज 5 डिजिट्स? तो इन 5 डिजिट में से कोई 3 डिजिट सिलेक्ट करके आप कितने 3 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है स्टूडेंट्स? रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, जो डिजिट होंगे वो रिपीट कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट में क्या गिवन है? रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, जो डिजिट होंगे वो रिपीट नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली एक्सरसाइज 7.1 में प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज़ हुआ है। कितने प्रिंसिपल हैं स्टूडेंट्स? 2 प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट इज मैथमेटिकल। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में डिटेल में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में डिस्कस किया था। तो हमारे पास 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है स्टूडेंट्स? जब 2 जॉब हैं, एक जॉब को करने के m वेज हैं, दूसरे जॉब को करने के n वेज हैं, तो दोनों जॉब को सक्सेसिवली करने के कितने वेज होंगे? m मल्टीप्लाई विद n वेज। मीन्स दोनों ही जॉब को आपको करना है तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? जो नंबर ऑफ वेज थे m और n, दोनों की हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। इसी टाइप से सेकंड प्रिंसिपल क्या था? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या कहता है स्टूडेंट्स? इफ़ देयर आर, अगर 2 जॉब्स हैं, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मीन्स दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, एक को करने के m वेज हैं, दूसरे को करने के n वेज हैं, तो आपको देन आइदर ऑफ 2 जॉब्स कैन बी परफॉर्म्ड इन m क्रॉस n वेज। मीन्स आपको आइदर मीन्स या तो आपको जॉब a करना है या आपको जॉब b करना है, दोनों में से एक जॉब करने के कितने वेज होंगे? m प्लस n वेज होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि जब भी दोनों जॉब को आपको करना है, एक भी जॉब को स्किप नहीं करना है, वहाँ हम नंबर ऑफ वेज को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। बट जब हमारे पास चाहे कितने भी नंबर ऑफ वेज हों, उनमें से आपको सिलेक्शन करना है, कोई एक जॉब आप परफॉर्म कर सकते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स? बीच में हम प्लस का साइन यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास क्या है? 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक समझते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। इनमें से हमें 3 नंबर्स को सिलेक्ट करना है और 3 डिजिट का नंबर कंस्ट्रक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, जब भी 3 डिजिट का नंबर होगा, जो फर्स्ट प्लेस होगा दैट इज नोन एज वंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस एंड दिस इज हंड्रेड्स प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, सो 3 डिजिट नंबर में 3 डिजिट का यूज होगा। वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट आ सकता है स्टूडेंट्स? इन 5 में से कोई भी एक डिजिट हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड प्लेस पर मीन्स टेंस प्लेस पर, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन का मीनिंग है नंबर किस टाइप के होंगे? जैसे 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 3, 4,
फोर वन थ्री फाइव, इस टाइप से थ्री थ्री डिजिट के कितने नंबर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ये आपको क्वेश्चन में बताना है। और रिपीटेशन अलाउड का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, एक डिजिट को हमने वन टाइम यूज़ कर लिया तो सेकंड प्लेस पर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं और थर्ड प्लेस पर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वन वन वन, वन टू वन, इस टाइप से। यहाँ पे वन थ्री टाइम रिपीट हुआ, यहाँ पर टू टाइम रिपीट हुआ, या फिर वन टू थ्री यहाँ पर वन टाइम यूज़ हुआ, तो इस टाइप के नंबर भी अलाउड होंगे, रिपीटेशन अलाउड होगी। तो इस टाइप से आप कितने थ्री डिजिट के नंबर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उनको आपको काउंटिंग में बताना है। तो वंस प्लेस पर आप फाइव में से कोई भी एक डिजिट पुट कर सकते हैं, टेंस प्लेस पर, टेन प्लेस पर भी फाइव में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और हंड्रेड्स प्लेस पर भी फाइव में से कोई भी एक डिजिट आप पुट कर सकते हैं। तो तीनों का हमें यूज़ करना है, तीनों प्लेस को फिल करना है, तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होगा, हमें सिलेक्शन नहीं करना है, आइदर का यूज़ नहीं है, हमें साइमल्टेनियसली तीनों प्लेसेस को फिल करना है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, फाइव फाइव ज़ा 25, 25 फाइव ज़ा 125। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट स्टूडेंट्स, डायरेक्टली हमें सॉल्यूशन नहीं देना है, हमें प्रोसीजरल वे से कुछ स्टेप्स को राइट डाउन करना है, उसके बाद हमें सॉल्यूशन देना है। लेट सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, गिवन डिजिट आर 1 2 3 4 5। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, देयर आर एज मैनी वेज एज देयर आर द वेज ऑफ फिलिंग थ्री वैकेंट प्लेसेस। जैसे हमारे पास थ्री वैकेंट प्लेसेस है, थ्री खाली प्लेसेस हैं, उन्हें हमें सक्सेसिवली फिल करना है। सो इन सक्सेशन बाय गिवन फाइव डिजिट, तो फाइव डिजिट में से हमें थ्री डिजिट को सिलेक्ट करना है और थ्री वैकेंट प्लेसेस को फिल करना है। सिंस रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है, therefore units place can be filled in any of the given five digits। तो फाइव डिजिट में से 1 2 3 4 5 में से वंस प्लेस, ये हमारे पास वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस, तो वंस प्लेस को हम फाइव डिजिट में से कोई भी एक डिजिट लेकर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और इसी टाइप से सिमिलरली टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी ऑफ द गिवन फाइव डिजिट। सो हंड्रेड, टेंस और हंड्रेड प्लेस पर भी हम गिवन फाइव डिजिट में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सो बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल नंबर ऑफ वेज इन विच फाइव डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम गिवन डिजिट इज फाइव मल्टीप्लाई विद फाइव मल्टीप्लाई विद फाइव, दैट इक्वल्स टू 125। तो स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन को इस टाइप से राइट डाउन करना है। मेन हमारे पास क्या था, इन थ्री वैकेंट प्लेसेस को हम कितने नंबर ऑफ वेज से फिल कर सकते हैं। सो टोटल 125 नंबर्स को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इन फाइव डिजिट में से थ्री थ्री डिजिट को सिलेक्ट करके हम टोटल 125 नंबर्स को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी सेकंड पार्ट। इन दिस केस रिपीटेशन अलाउड नहीं है, दैट मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे वन को यूज़ कर लिया, मान लीजिए वन प्लेस पर, तो टेंस और हंड्रेड्स प्लेस पर हम वन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 इनमें से हमने वन को यूज़ कर लिया, तो रिमेनिंग जो टेंस प्लेस पर है उसको हम कितने नंबर ऑफ वेज से फिल कर सकते हैं, इन फोर डिजिट में से कोई भी एक। पहले क्या होगा स्टूडेंट्स, वंस प्लेस पर फाइव में से कोई भी एक डिजिट हम यूज़ कर लेंगे। फाइव में से एक डिजिट मान लो हमने वन को यूज़ कर लिया, तो वन को यूज़ कर लिया तो टेंस प्लेस पर हम क्या फिल करेंगे, वन को यूज़ नहीं करेंगे, इन रिमेनिंग फोर में से कोई भी एक डिजिट फिल करेंगे। तो टेंस प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं, फोर वेज। मान लीजिए यहाँ पर हमने टू को फिल कर लिया, तो रिमेनिंग कितने डिजिट बचे हमारे पास, थ्री। थ्री में से भी कोई एक डिजिट हम यहाँ फिल कर सकते हैं, तो 1 2 3, थ्री भी यूज़ कर सकते हैं, फोर भी और फाइव भी। तो थ्री वेज में फिल कर सकते हैं हंड्रेड्स प्लेस को, फोर वेज में टेंस प्लेस को, और वंस प्लेस को फाइव वेज में। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, फाइव फोर ज़ा 20, 23 ज़ा 60। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, 60। सो जब डिजिट ने रिपीट किया तो हम कैसे, कितने थ्री डिजिट नंबर बना सकते हैं फाइव डिजिट, इन फाइव डिजिट में से कोई भी थ्री डिजिट सेलेक्ट करके, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 125 नंबर कंस्ट्रक्ट होंगे, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो टोटल 60 नंबर्स को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, लिखना कैसे है, इन दिस केस रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, सो नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग यूनिट्स टेंस हंड्रेड्स प्लेस आर 5 4 3। तो आपको पता चला स्टूडेंट्स कैसे 5 4 3 आया हमारे पास, 5 4 3 वेज में हम यूनिट्स प्लेस को फाइव वेज में, टेंस प्लेस को फोर वेज में, और हंड्रेड्स प्लेस को थ्री वेज में हम फिल कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली। मीन्स यूनिट्स प्लेस जो फर्स्ट नंबर है, टेंस प्लेस जो सेकेंड नंबर है,
हंड्रेड्स प्लेस टू थर्ड नंबर है. दस बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल नंबर ऑफ वेज इन विच थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटेशन इज गिवन बाय. तीनों नंबर की हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, फाइव मल्टीप्लाई विद फोर मल्टीप्लाई विद थ्री दैट इक्वल्स टू 60 वेज. तो हमारे पास कितने वेज हैं, 60 वेज. दैट मीन्स हम थ्री डिजिट नंबर जब रिपीटेशन अलाउड ना हो. रिपीटेशन अलाउड का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, अलाउड जैसे हमने 1 2, अब यहाँ पे हम 1 अगेन यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना ही हम 1 1 1 इस टाइप के नंबर ले सकते हैं. हमें क्या लेना है जैसे 1 2 3, तीनों अलग अलग नंबर होने चाहिए. रिपीटेड जो डिजिट है वो रिपीट नहीं करना चाहिए. बट फर्स्ट केस में क्या था, रिपीट कर सकते हैं, तो ये केस भी अलाउड थे. तो फर्स्ट पार्ट में क्या था, टोटल 125 नंबर्स ऐसे हम बना सकते हैं फाइव डिजिट में से थ्री डिजिट सेलेक्ट करके. और सेकंड केस में क्या होगा, टोटल 16 नंबर्स को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं थ्री डिजिट नंबर्स को आउट ऑफ दीज फाइव डिजिट्स. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मैनी थ्री डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ डिजिट कैन बी रिपीटेड. तो हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 5 इन नंबर्स में से यूज़ करके हमें थ्री डिजिट के इवन नंबर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है. ऊपर क्या था स्टूडेंट्स, नंबर चाहे इवन हो या ऑड हो, सभी टाइप के नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं. बट सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें सिर्फ इवन नंबर्स को ही कंस्ट्रक्ट करना है. थ्री डिजिट को सिलेक्ट करके थ्री इनमें से कोई भी थ्री डिजिट सेलेक्ट करके इवन नंबर बनाएंगे, तो कितने इवन नंबर यहाँ पे हम बना सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इवन नंबर के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स. इवन नंबर कौन से होते हैं जिसके यूनिट्स प्लेस पर 2 4 6 8 या फिर 0 हो. 0 यहाँ नहीं है तो 0 को हम काउंट नहीं करेंगे. सो इवन नंबर के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, यूनिट्स प्लेस पर या फिर वंस प्लेस पर 2 4 6 में से कोई एक नंबर होना चाहिए. जैसे हमने क्या लिया 1 3 2, तो वंस प्लेस पर क्या है 2, सो दिस इज इवन नंबर, थ्री डिजिट इवन नंबर. और क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, इफ रिपीट डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट भी कर सकते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, थ्री प्लेसेस को फिल करना है. सो यूनिट्स प्लेस पर क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 में से कोई नंबर होना चाहिए, बट 8 भी यहाँ नहीं है, तो बचे कौन से नंबर, 2 4 और 6 में से कोई एक नंबर आना चाहिए. तो यूनिट्स प्लेस या फिर वंस प्लेस को फिल करने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं, 3. 3 में से कोई भी एक डिजिट हम यहाँ यूज़ करेंगे. रिपीटेशन अलाउड है, तो मान लीजिए हमने 2 को यूज़ कर लिया, तो 2 को अगेन भी हम यूज़ कर सकते हैं. सो टेंस प्लेस को कितने वेज से फिल कर सकते हैं, कितने नंबर है हमारे पास, टोटल 6 नंबर हैं, तो 6 में से कोई भी एक डिजिट यूज़ कर सकते हैं. और हंड्रेड्स प्लेस पर भी 6 में से कोई भी एक डिजिट यूज़ कर सकते हैं. सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, 108. ओके स्टूडेंट्स, लिखना कैसे है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में राइट डाउन किया था, सेम उसी प्रोसीजर से आप इजीली राइट डाउन कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे. फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. हाउ मैनी फाइव डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस. हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 0 से लेकर 9 तक के जो डिजिट हैं उनमें से हमें 5 डिजिट्स को सिलेक्ट करना है और 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कंस्ट्रक्ट करने हैं, बनाने हैं. कंडीशन क्या है, हर एक जो टेलीफोन नंबर होगा वो 67 से स्टार्ट होगा. कैसे, जैसे यहाँ पे कितने प्लेस होंगे, 5 डिजिट का हमें फ़ोन नंबर कंस्ट्रक्ट करना है. बट हर एक नंबर के जो फर्स्ट 2 लेटर्स होंगे वो क्या होंगे, 67. तो रिमेनिंग प्लेस कितने बचे स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 प्लेसेस बचे. तो हमें क्या करना है, इन 3 प्लेसेस को फिल करना है आउट ऑफ डिजिट 0 to 9. और कंडीशन क्या गिवन है स्टूडेंट्स, नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस. कोई भी डिजिट एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकता है, मींस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. मींस 6 को हमने यहाँ यूज़ कर लिया तो और किसी प्लेस पर 6 यूज़ नहीं होगा, 7 को यूज़ कर लिया तो और किसी प्लेस पर 7 यूज़ नहीं कर सकते हैं. दैट मीन्स रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो देखिए स्टूडेंट्स, गिवन डिजिट कौन से होंगे हमारे पास, 0 से लेकर 9 तक के, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हमें क्या करना है, डिजिट्स यूज्ड इन टेलीफोन नंबर
फाइव डिजिट का यूज़ करना है. बाय बट गिवन दैट नंबर स्टार्ट्स विद 67, देयरफॉर देयर विल बी एज मैनी फोन नंबर्स एज थ्री एज देयर आर नंबर ऑफ फिलिंग थ्री वैकेंट प्लेस. तो 67 को हमने यूज़ कर लिया, टोटल फाइव डिजिट नंबर थे तो थ्री प्लेस हमारे पास वैकेंट है. और कौन से नंबर यूज़ करने हमने, हमें 0 से लेके 9 तक के. तो हमने क्या किया स्टूडेंट, 6 को यूज़ कर लिया है और 7 को यूज़ कर लिया है. अब इनको हम यूज़ नहीं करेंगे. तो वंस प्लेस पर हम कितने नंबर में से फिल करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट में से कोई भी एक डिजिट हम यूज़ कर सकते हैं. तो वंस प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं, 8. अब टेंस प्लेस रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 8 में से मान लो एक नंबर हमने 9 को यूज़ कर लिया, तो 9 को हम अगेन यूज़ नहीं करेंगे. रिमेनिंग डिजिट कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो टेंस प्लेस को फिल करने के कितने वेज होंगे, 7. ये 67 एक साथ रहेगा स्टूडेंट्स, इसको फिल करने का एक ही तरीका है, एक ही वे है. और हंड्रेड्स प्लेस को कितने नंबर ऑफ वेज से फिल कर सकते हैं, मान लो हमने 8 को यूज़ कर लिया टेंथ प्लेस पर, तो रिमेनिंग कितने डिजिट बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 में से कोई भी एक डिजिट हम हंड्रेड्स प्लेस पर यूज़ कर सकते हैं. तो बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन तीनों नंबर्स की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. 67 के कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे 67 6 और 7 के भी यहाँ सारे डिजिट्स की मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स रॉन्ग. क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि 67 फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. तो इन दोनों प्लेसेस को फिल करने के कितने वेज हैं, ओनली वन वेज है. तो मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, 1, 6, 7 और 8 की. 66 और 7 की यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. सो आपको इस बात का ध्यान रखना है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको रीज़न भी क्लियर हो गया होगा. सो थ्री वैकेंट प्लेसेस को फिल करना है बाय डिजिट्स 0 to 9. सो यूनिट्स टेंस हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी ऑफ द डिजिट 0 to 9 एक्सेप्ट 6 and 7. सो यूनिट्स हंड्रेड टेंस और हंड्रेड्स प्लेस को हम कोई भी डिजिट से फिल कर सकते हैं 6 और 7 को छोड़कर. डिजिट फ्रॉम जीरो देयर फॉर यूनिट्स टेंस हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8, 7 and 6 डिफरेंट वेज. सो वंस टेंस और हंड्रेड्स प्लेस को हम कितने वेज से फिल कर सकते हैं, 8, 7, 6 वेज से. देयरफॉर बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कैसे निकालेंगे, तीनों नंबर्स की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 8, 7, 6 की, दैट इक्वल्स टू 336. सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, 336. कैसे, जैसे हमने क्या यूज़ किया, 67 रिमेनिंग डिजिट के मान लो हमने 0, 1, 2 का यूज़ कर लिया. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर 67 रहेगा, इन नंबर्स को फिल करना है हमें, 0, 1, 4 यूज़ कर लिया. तो इस टाइप से कितने फ़ोन नंबर हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, टोटल 336 टेलीफोन नंबर्स को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर. तो एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है, तो हमें पॉसिबल कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे हमें ये बताना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, जब एक कॉइन होता है उसके कितने फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं, एक हेड और एक टेल. तो कॉइन पर क्या लिखा होता है स्टूडेंट्स, एक फेस पे हेड होता है और दूसरे फेस पर टेल होता है. तो एक कॉइन को टॉस करेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. हमें ये केस नहीं लेना है कि कॉइन जो है बीच में खड़ा हो जाएगा, ना ही हेड आएगा ना ही टेल आएगा, हमें उस केस को कंसिडर नहीं करना है. सो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम है. 1 time हम टॉस करेंगे तो मान लीजिए क्या आ गया हमारे पास, हेड. अब क्या करेंगे, 2nd time अगेन टॉस करेंगे, अगेन क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. 3rd time फिर से टॉस करेंगे, क्या आ गया मान लीजिए टेल. तो हेड हेड टेल ये हमारे पास क्या होंगे, आउटकम्स. ओके स्टूडेंट्स, बस जरूरी नहीं है कि हेड हेड टेल ही आए, हो सकता है 1st time टॉस करें तो टेल आए, फिर हेड आए, अगेन टेल आ जाए. तो इस टाइप से जो आउटकम्स आएंगे, कितने आउटकम्स आएंगे, कितने पॉसिबल वेज होंगे, क्या क्या हमारे पास रिजल्ट आ सकता है. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने मान लो 1st time कॉइन को टॉस किया, हो सकता है कि तीनों पर क्या है, हेड 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 आए. अगेन क्या हो सकता है,
फर्स्ट टाइम हेड आए, सेकंड टाइम टेल आए, थर्ड टाइम अगेन हेड आ जाए। और क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है कि फर्स्ट टाइम टेल आए, सेकंड टाइम हेड आए, थर्ड टाइम अगेन हेड आ जाए। और क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है तीनों टाइम हमारे पास टेल 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 आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, और पॉसिबल केसेस क्या हैं? हो सकता है कि हेड आए फिर टेल अगेन टेल आ जाए, या फिर टेल हेड टेल, या फिर टेल टेल हेड, और हेड हेड टेल। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारे पास टोटल कितने वेज आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एट हमारे पास क्या होंगे? पॉसिबल केसेस होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 8। बट 8 कैसे आया उसको हम अभी समझते हैं। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 2। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड और टेल। सो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे? फर्स्ट टाइम टॉस करेंगे तो 2 में से कोई भी पॉसिबल केस आ सकता है, हेड टेल में से। सेकंड प्लेस पे भी हेड टेल में से कोई भी आ सकता है, और थर्ड टाइम भी हेड और टेल में से कोई भी आउटकम आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? तीनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 4 2 8। ओके स्टूडेंट्स, और 8 आउटकम्स कौन से होंगे जिनको हमने अभी राइट डाउन किया? ये हमारे पास 8 आउटकम्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारा आंसर क्या रहेगा? 8। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? 5 फ्लैग हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। तो 5 फ्लैग में से हमें क्या करना है? सिग्नल बनाने हैं। 2 फ्लैग का यूज़ करना है वन टाइम में। 5 में से कोई भी 2 फ्लैग का हमें यूज़ करना है वन बिलो द अदर। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है? 5 फ्लैग हैं। 5 फ्लैग मान लीजिए एक रेड है, वाइट, ग्रीन, ब्लू और येलो, 1 2 3 4 5। तो हमें सिग्नल्स बनाने हैं एक के नीचे दूसरा। मान लीजिए फर्स्ट में हमने रेड यूज़ कर लिया, दूसरे में क्या यूज़ कर सकते हैं? वाइट। या हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट में वाइट यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन यूज़ कर सकते हैं, या ब्लू यूज़ कर सकते हैं, येलो यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से कितने सिग्नल्स हम बना सकते हैं? एक बात देखने की है स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि मैम यहाँ पे ये नहीं दे रखा कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है स्टूडेंट्स। जब फ्लैग्स डिफरेंट कलर के हैं, जैसे हमने रेड यहाँ यूज़ कर लिया, तो नीचे रेड सेम फ्लैग का यूज़ हम नहीं कर सकते, हमें डिफरेंट फ्लैग ही यूज़ करना पड़ेगा। दैट मीन्स रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन दिस केस। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स फॉर डिफरेंट ऑफ डिफरेंट कलर कितने फ्लैग हैं? 5 फ्लैग्स हैं। टू जनरेट वन सिग्नल, नंबर ऑफ फ्लैग्स एक सिग्नल के लिए कितने फ्लैग चाहिए? 2, जैसे एक के नीचे दूसरा। अपर वैकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 डिफरेंट वेज। तो ऊपर का जो प्लेस है, खाली प्लेस है हमारे पास, कितने नंबर ऑफ वेज से फिल कर सकते हैं? 5 में से कोई भी एक हम कलर यूज़ कर सकते हैं। और नीचे का जो वैकेंट प्लेस होगा उसमें क्या होगा? 5 में से एक हमने यूज़ कर लिया, तो रिमेनिंग कितने बचे? 4। 4 में से कोई भी एक कलर हम यूज़ कर सकते हैं। सो लोअर वैकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 डिफरेंट वेज बाय एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 4 डिफरेंट फ्लैग्स। 4 डिफरेंट फ्लैग में से कोई भी एक फ्लैग हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड equals to 5 multiply with 4 that equals to 20। तो कितने सिग्नल्स हम बना सकते हैं? 20 सिग्नल्स हम बना सकते हैं। कलर कौन से हैं ये भी नहीं दे रखा स्टूडेंट्स, आप अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कोई भी कलर आप यहाँ ले सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे रेड, वाइट, ग्रीन, ब्लू, येलो। तो कैसे सिग्नल बनेंगे? जैसे ऊपर हमने रेड यूज़ कर लिया, नीचे वाइट, फिर रेड, ग्रीन, रेड, ब्लू, रेड, येलो। तो इस टाइप से हम 4 सिग्नल स्ट्रोक बना सकते हैं रेड की हेल्प से। ऐसे ही वाइट है, वाइट ऊपर आ सकता है, हो सकता है कि क्या हो, रेड नीचे आ जाए, और ग्रीन ऊपर आ जाए, रेड नीचे आ जाए, ग्रीन ऊपर आ जाए, रेड नीचे आ जाए। तो इस टाइप से कितने सिग्नल्स हम बना सकते हैं टोटल काउंटिंग में? 20 सिग्नल्स को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के बारे में डिस्कस करेंगे।